हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सुमी रंजित रसोई ब्लॉग आज सुमी के रसोई में अदौरी बनाएंगे ये अदौरी चना का बना हुआ रहता है इसे कुछ इस तरह से बनाना रहता है इसे बनाने के लिए पहले तेल में इसे अदौरी को फ्राई कर लेंगे रेड ब्राउन होने तक अदौरी को फ्राई करना है इसके बाद इसे निकाल लेंगे अदौरी फ्राई हो चुका है अच्छे से फ्राई हो जाए इसके बाद अदौरी को निकाल लेंगे निकाल कर रख लेंगे इसके बाद फिर ग्रेवी मसाला बनाने का तैयारी करेंगे तो इसके लिए तेल ले लेना है और ये पचफोरन होता वो डाल दिए हैं और मिर्ची डाल दिए हैं और इसमें प्याज को फ्राई कर लेंगे और ये सिर्फ अदौरी नहीं बनाएंगे इसमें कुछ सब्जी भी डाल सकते हैं आप मनपसंद सब्जी भी ऐड कर सकते हैं इसमें मैं झींगी डालूंगी और बैगन ऐड करूंगी तो कुछ इस तरह से प्याज फ्राई हो जाए तो इसमें बैगन और झींगी को डालकर फ्राई कर लेंगे मेरा बैगन झींगी भी फ्राई हो चुका है तो इसमें मैं मसाला ऐड करूँगी ये मसाला ऐड करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है और इसमें नमक ऐड करेंगे मसाला में मैं सरसों गोल की जीरा और लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना लिए थे इसे डाल लेंगे और हल्दी हल्दी पाउडर डालेंगे और ऊपर से मैं टमाटर ऐड कर ली मसाला फ्राई हो जाए तब थोड़ा टमाटर ऐड करेंगे इसके बाद टमाटर भी फ्राई हो चुका है मेरा तो इसमें आप पानी ऐड करेंगे जैसा आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से पानी ऐड कर लेना है और इसे ढककर कर दस मिनट पकाना है पाँच से दस मिनट तक इसे अच्छे से उबाल आने देंगे पानी में उबाल आ जाएगा तब इसमें जो अदौरी फ्राई करके रखा हुआ था उसे डालेंगे देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा अदौरी डाल दिए पानी में उबाल आने के बाद अब फिर से इसे ढककर कर पाँच से सात मिनट पकाएंगे। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं सब्जी का टेक्सचर पाँच से सात मिनट पकाने के बाद ऐसा हो जाएगा यानी कि यह सब्ज़ी बन चुका है तो इसे अब चलाते हुए आप सर्व कर सकते हैं चावल के साथ या रोटी के साथ जैसे भी खाना चाहें